Malik. Ne yancık dup kale gelir illa. Sigur onu Bismillah. Oh, you came from Chennai? Great. So you have completed Pangong and all? Okay. So guys, started. This is the third time. एंड ये यहाँ पे इंजॉय करेगा पानी का ही, क्योंकि एक्चुअली भारी वेट मना है यहाँ पे ऊँट को. ऊँट ने कहा मैं हाथी को नहीं बिठा सकता, तो मना कर दिया इसको. पानी का मन है तो पानी में रहेगा अभी. दिस इज द थर्ड टाइम ऑफ नुब्रा वैली. तीन बार हो चुका बिकॉज हम आते हैं, घूमते हैं यहाँ से और निकल जाते हैं. तो गाइज अभी नहीं निकलेंगे, अभी कैमल राइड करेंगे तब यहाँ से निकलेंगे. सो गाइज नुब्रा वैली में करने के लिए बहुत कुछ है. अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आर्चीज़ भी है यहाँ पे. आर्चीज़ बोलते हैं ना शायद इसे, वही जिसमें वो फेंकते हैं कुछ निशाना लगाते हैं, वही है ये. अच्छा ना. और बाकी खैर नज़ारा तो है ही, कैंप साइड है, एटीबी है, एंड उसके अलावा आपको कैमल राइड है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है आपको. सो गाइज आपको दिख रहा होगा ये कैमल राइड, कितने सारे कैमल्स हैं यहाँ पे अभी. तो टिकट काउंटर तो यहाँ दिख रहा है बट कैमल्स यहाँ हैं. लेट्स सी कहाँ से बुकिंग होगी. ओह वाह, ये काउंटर कब खुलेगा? ये इधर से ना. हाय, हेलो. ये तो मुझे पहले से देख रहा है. हाय, कितने का जाना है? 15 मिनट का 300 है. 15 मिनट का? हाँ जी. कहाँ ले जाते हो वैसे? ये वाला रेगिस्तान ना. हाँ ये वाला. वो उधर कितने बंदे? अकेला हूँ मैं. मालिक ये यहाँ चीज़ तू कल खेले रहा था. सिगुर ना पाता है. बिस्मिल्लाह. अब देख जिग में दिखे. आजो आप लोग. वैशाख पूरा ने करता ले कर तो. आजो ये पकड़ के बैठो. ठीक है एक मिनट थोड़ा सा स्टार्ट कर लो. चल जाएगा इतना बस. ठीक है ज्यादा इसके मुंह के पास नहीं ले जाना ये. ठीक है ठीक है. डंडा समझ के डर जाते हैं सर. ओह तो गिरा देगा क्या? बैठो ये पकड़ो. कांटा है इसमें? हां होगा कांटे में रहते हैं. ये रस्सी पकड़ो ना रस्सी. इधर ओ भाई साहब. So guys enjoying this camel ride in Nubra Valley. बहुत ही मज़ा आ रहा है. बहुत दिन से मेरा मन था, एक कह सकते हो ड्रीम था, सपना था कि कैमल राइड करना है, और वो भी नुब्रा वैली में. इट्स काइंड ऑफ वाइट डिजर्ट हेयर एंड यहाँ के जो माउंटेन के रेंज हैं गाइज यू कैन सी दिस ब्यूटी. बहुत ही अमेजिंग है. तो एक्चुअली हम होम स्टे से अभी निकल चुके हैं और यहाँ से हमारा जो लेह का
जो जर्नी है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 155 किलोमीटर्स के आसपास पड़ेगा, जो कि खारदुंगला होते हुए हम जाएंगे। तो हमारे साथ जो दो राइडर्स थे उनको टाइम लगेगा, अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें गो कार्टिंग एंड कैमल राइड भी करना है, आप लोगों के लिए ब्लॉग भी बना के आप लोगों को दिखाना है। तो गाइज, लद्दाख जब भी आप आ रहे हो बाई रोड, अगर आते हो आप दिल्ली से या फिर कहीं से भी आ रहे हो, तो आप लोगों को एक्लिमेटाइजेशन की सांस की दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आप एडप्ट होते हुए आते हो। बट अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो बाई एयर के लिए आपको आई वुड रिकमेंड और एडवाइस कि आपको 2 डेज एटलीस्ट ले में रुकना पड़ेगा, ड्यू टू हाई अल्टीट्यूड थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। तो लद्दाख जो रीज़न है अब यूटी बन चुका है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। ये बेसिकली क्या होता है कि जब 370 हटा उसके बाद पहली बार ये लद्दाख का फर्स्ट सीज़न है। ये क्या कर रहा है? और साथ में मेरे साथ मेरे ऊँट का बच्चा भी चलते हुए आपको दिख रहा होगा। So guys, Kamal ride completed and now we are moving to Leh चलेंगे यहाँ से 150 किलोमीटर्स के आसपास है। ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो चुका है एंड 150 किलोमीटर्स आप समझ सकते होंगे 16 और 17 और 18,000 फीट पे बाइक चलाना। मैं भी थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा वैसे,